हेलो फ्रेंड, मैं हूं अरमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल गेनर। आज की इस वीडियो में आपको रियलमी नार्जो 20A की बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेगी। वैसे तो रियलमी नार्जो 20A में बहुत सारे बेस्ट फीचर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छे मुझे लगे मैंने सिर्फ उन्हें ही इस वीडियो में कवर किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेट करता है नई वीडियो बनाने के लिए। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सेटिंग पर टाइप करना है और उसके बाद फ्रेंड कन्वीनियंस टूल्स पर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर असिस्टिव बॉल पर टाइप कर देना है और यहाँ से असिस्टिव बॉल को ऑन कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आप यहाँ पर देखेंगे एक बॉल आइकन देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि अगर इस बॉल आइकन पर एक बार टाइप करता हूँ तो यहाँ से बैक जा सकता हूँ, और डबल टाइप करता हूँ तो यहाँ से मल्टीटास्किंग स्टार्ट हो जाएगा, और अगर इस बॉल आइकन पर टच एंड होल्ड करता हूँ तो होम स्क्रीन पे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि एक बार अगर इस बॉल आइकन पर टाइप करने पर क्या ये बैक होता है या नहीं। तो ये मैंने इस पर एक बार टाइप किया और फिर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मैं बैक आ गया। और एक बार मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ अगर टच एंड होल्ड करता हूँ होम स्क्रीन पर जाता है या नहीं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ जैसे ही मैंने उस बॉल आइकन पर टच किया मैं डायरेक्ट होम स्क्रीन पे आ गया। तो फ्रेंड आप इस तरह से इजीली यहाँ बॉल आइकन पर टाइप करके बैक भी जा सकते हैं, मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं और होम स्क्रीन पे भी जा सकते हैं। और अगर आप इसको अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं कि अगर एक बार टाइप करने पर आपको बैक नहीं चाहिए तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको क्या चाहिए। तो इस पर टाइप करना है और टाइप करने के बाद फ्रेंड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको एक बार टाइप करने पर नोटिफिकेशन सेंटर चाहिए तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लॉक स्क्रीन चाहिए तो वो भी आप यहां से सेट कर सकते हैं। वन हैंडेड मोड को भी सेट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट को भी सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये तो थे जेस्चर ऑपरेशंस। अब अगर आप चाहें तो इसे टैप मेनू पर सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर इस बॉल आइकन पर टैप किया जाए तो यहाँ पर इस आइकन पर टाइप करने के बाद बैक जा सकते हैं, इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, और यहाँ लॉक स्क्रीन पे जा सकते हैं और यहाँ होम स्क्रीन पे जा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार टाइप करके दिखा दूँ बॉल आइकन पर। ये मैंने यहाँ से जैसे ही इस आइकन पर टाइप किया देखिए मैं यहाँ पर बैक आ गया। तो इसी तरह से फ्रेंड अगर यहाँ पर बॉल आइकन पर मैं यहाँ टाइप करता हूँ तो अगर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना हो तो इस आइकन पर टाइप कर देता हूँ तो यहाँ से देखिए फ्रेंड ये स्क्रीनशॉट हो गया। तो अगर आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बॉल आइकन को टैप करने पर यहाँ पर आपको बैक नहीं चाहिए तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यह बैक है तो बैक पर टैप करना है, उसके बाद यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बैक सेट किया हुआ है। तो अभी आप चाहें तो यहाँ नोटिफिकेशन सेंटर, वन हैंडेड मोड, जो भी चीज़ आप चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सेंटर पर टाइप करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने नोटिफिकेशन सेंटर को सेलेक्ट कर लिया है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर अभी बैक लिखा हुआ था तो अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंटर आ गया है। तो यहाँ पर बॉल आइकन पर टाइप करता हूँ तो देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंटर का आइकन आ गया, पहले अभी बैक का आ रहा था। तो इस पर टाइप करने से ये नोटिफिकेशन सेंटर ओपन हो गया। अगर आप यहाँ से फ्रेंड बॉल आइकन की ट्रांसपेरेंसी को सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए सेटिंग पर टाइप करना है और उसके बाद स्क्रॉल करते हुए थोड़ा नीचे आना है फ्रेंड। उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है एडिशनल सेटिंग, इस पर टाइप कर देना है। और टाइप करने के बाद यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, इस पर टाइप कर देना है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड कि इसमें आप वीडियो रिजोल्यूशन को सेट भी कर सकते हैं। जैसे आपको हाई पे चाहे तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, मीडियम पे चाहे तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लो पे चाहे तो वो लो पे सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर कस्टम चाहे तो कस्टम पर भी टाइप करके आप यहाँ पर से वीडियो की रिजोल्यूशन 480p, 720p, 1080p सेलेक्ट कर सकते हैं। और बिटरेट भी चाहे तो आप यहाँ पर से 1 Mbps, 2 Mbps, 4 Mbps जो भी चाहे वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग की एक खास बात यह है फ्रेंड, आप इसमें स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करते वक्त फ्रंट कैमरा को ऑन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो इसके लिए सेटिंग पर टाइप करना है, कन्वीनियंस टूल्स पर टाइप करना है और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है साइड बार, स्मार्ट साइड बार पर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ अगर ऑन है तो ठीक है और नहीं है तो ऑन कर देना है।
तो अब इसके यूज़ को दिखा दो फ्रेंड। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्मार्ट साइड बार का आइकन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप इसे इस तरह से स्वाइप करके आप चाहें तो ऊपर या नीचे जहाँ पर चाहें वहाँ पर सेट कर सकते हैं, और अगर आप इस साइड में चाहते हैं तो इधर भी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसे यहाँ पर रहने देता हूँ। अब बात कर लूँ इसके यूज़ की, तो इस आइकन को स्क्रीन के अंदर की तरफ स्वाइप करना है। तो इस आइकन को अंदर की स्क्रीन की तरफ स्वाइप करने के बाद फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कुछ ऐप्स और कुछ टूल्स। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर टाइप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर स्क्रीनशॉट हो गया है। मैं एक बार फिर से इसे अंदर की तरफ स्वाइप करता हूँ और फ्रेंड यहाँ पर अगर जिस भी ऐप को मैं यहाँ से चाहूँ वो मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। जैसे फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कैलकुलेटर, तो मैं अगर कैलकुलेटर यूज़ करना है तो बस उस पर टाइप करके यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ, और इसे हटाना हो तो यहाँ से क्रॉस पर टाइप करके हटा सकता हूँ। मैं एक बार फिर से यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि अगर मुझे व्हाट्सअप यूज़ करना हो तो मैं यहाँ से व्हाट्सअप पर टाइप करूँगा और यहाँ से डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो फिर अगर आप इसमें अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, जैसे इसमें कुछ ऐप्स या टूल्स को आप ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस प्लस आइकन पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स आपको देखने को मिल जा रहे हैं। तो आप इनमें से जिन्हें भी चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं इस स्मार्ट साइड बार में रखने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पर अगर YouTube को सिलेक्ट करूँ इस साइड बार में रखने के लिए, तो मैं बस यहाँ पर YouTube पर टाइप कर देना है और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं YouTube यहाँ पर ऐड हो गया स्मार्ट साइड बार में। तो अब अगर मुझे YouTube चलाना होगा तो बस यहाँ से मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ, तो बस इसे स्वाइप अंदर की तरफ करना है और यहाँ से देखिए यूट्यूब आ गया है, इस पर टाइप कर दूँ तो मैं यूट्यूब पर जा सकता हूँ। और इसी तरह फिर अगर आपको कुछ ऐप्स को यहाँ से हटाना है स्मार्ट साइड बार से, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, इस प्लस आइकन पर टैप करना है। और टैप करने के बाद फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं आप इस स्मार्ट साइड बार से जिस ऐप्स को या टूल्स को हटाना चाहते हैं बस उस पर टैप कर देना है। बस देखेंगे फ्रेंड कि ये यहाँ से रिमूव हो चुका है। अगर स्मार्ट बार साइड से किसी भी ऐप को स्प्लिट स्क्रीन मोड में ओपन करना चाहते हैं तो ऐप के आइकॉन को प्रेस करते हुए आपको यहाँ से ड्रैग कर इसे स्मार्ट बार से बाहर लाना है। तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरह से स्प्लिट स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ फ्रेंड्स, तो पहले मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि अगर मुझे बैक जाना है तो मैं बस इस तरह से स्वाइप करता हूँ और बैक चला जाता हूँ। आप एक बार फिर से देख सकते हैं मैं इस तरह से बैक चला आया। और अगर मुझे होम स्क्रीन पर जाना हो तो मैं बस इस तरह से स्वाइप अप करता हूँ और यहाँ डायरेक्ट होम स्क्रीन पर आ जाता हूँ। और फ्रेंड अगर रिसेंट टास्क देखना हो तो बस इस तरह से स्वाइप अप करता हूँ और होल्ड करे रखता हूँ, उसके बाद आप फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ से रिसेंट टास्क देख सकता हूँ। और फ्रेंड अगर रिसेंट ओपन्ड ऐप्स देखना हो तो मैं बस यहाँ से इस तरह से स्वाइप करता हूँ और मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि मैंने कौन कौन से ऐप्स को ओपन किया था। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये अच्छा लगा हो और आप भी ऐसा करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर कन्वीनियंस टूल्स पर टैप कर देना है, और टैप करने के बाद यहाँ नेविगेशन बटन्स पर टैप कर देना है, और उसके बाद यहाँ से आपको स्वाइप जेस्चर फ्रॉम बोथ साइड्स है इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। बस इतना ही करना है फ्रेंड्स, आपका काम हो गया। तो फ्रेंड मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ कि अगर मुझे होम स्क्रीन पर जाना है तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा। बस यहाँ से स्वाइप अप करना होगा और फ्रेंड आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ गया हूँ। इसके लिए सेटिंग पर टैप करना है, और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा नीचे आना है और एडिशनल सेटिंग पर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाता है, इस पर टैप कर देना है। और टैप करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर देख लेना है कि ये थ्री फिंगर स्वाइप डाउन और थ्री फिंगर टच एंड होल्ड दोनों ऑन है तब तो ठीक है, और अगर ऑन नहीं है तो बस यहाँ से इसे ऑन कर देना है। बस इतना ही करना है फ्रेंड। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो फिर अगर आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है तो बस थ्री फिंगर को स्वाइप डाउन करना है और यहाँ से स्क्रीनशॉट हो गया, और आप इसे स्क्रीनशॉट पर टाइप करके यहाँ से किसी को सेंड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, और यहाँ से इस स्क्रीनशॉट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये तो थे स्क्रीनशॉट की बात, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे पूरे पेज का स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, सिर्फ किसी पार्टिकुलर स्पेस का स्क्रीनशॉट लेना है। तो उसके लिए क्या करना है फ्रेंड, बस अपनी थ्री फिंगर को यहाँ पर टच एंड होल्ड करना है, उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने स्पेस की किस जगह की यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है। बस सिर्फ उसी स्पेस की आप यहाँ से स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं, इसे यहाँ से आप इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं।
तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को भी प्रेस कर दें नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स।